नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। महू विधानसभा में जनता कांग्रेस प्रत्याशी माया अमित वर्मा का चुनाव प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में जोरों पर चल रहा है। पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं की अलग अलग तीन टीमें बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। पार्टी ने टीही, श्रीखंडी, महुगांव, धारनाका, तेलीखेड़ा आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। जनता कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार माया अमित वर्मा ने बताया कि इस तीसरे दल की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रणनीति जनहित में नहीं थी, इसलिए हमने तीसरे मोर्चे में भारतीय जनता कांग्रेस का गठन किया और हमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम तीसरे दल के रूप में जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनकी मूलभूत सुविधाएं, जो कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही नहीं जुटा पाई हैं, के बारे में चर्चा कर उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। माया वर्मा का भव्य एवं जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान जनता कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रमुख कांतिलाल देसाई, राजेश कर्मा, हेमंत निमालकर, भावना सांगेलिया आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देख सकते हैं कि महू गांव के अंदर तीसरा दल, जो भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर एक तीसरा दल के रूप में उभर के सामने आया है, जनता कांग्रेस पार्टी, उनकी प्रत्याशी माया जी हमारे साथ हैं। माया जी से जानना चाहेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और किस प्रकार जनता की सुनवाई करते हैं और आगे वो चलेंगे। माया जी बताएं, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके? जी, महू को ग्रामीण क्षेत्र से विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रहेगा, सुसज्जित जो चिकित्सालय हैं वो रहेंगे, शिक्षा के स्कूल जो हैं वो सामान्य स्थिति में एक जैसे पढ़ाए जाएं, और खेल कूद से संबंधित जैसे बच्चों को प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं, जगह नहीं रहती है, तो उनको सुविधाएं दी जाएं बच्चों के खेल कूद के लिए, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए, सब जगह समानता आए। ये